धमाकेदार एक्शन से जुड़े रहने के लिए डिशम फिल्म्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अब तुझे अल्लाह भी नहीं बचा सकता। मैंने क्या किया है? इतने बेकसूर मासूम लोगों की जान लेने के बाद पूछता है कि मैंने क्या किया है? इस दुनिया में सब शिकार है और सब शिकारी कोई बेकसूर नहीं है। वो जो बुजदिल नेताओं को वोट देते हैं उनसे लड़ाई है मेरी। जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं उस पैसे से तेरे जैसों की मिलिट्री बनाकर गवर्नमेंट हम जैसों को मारने के लिए भेजती है और तेरे जैसे उनके ऑर्डर पे कुत्तों की तरह दुम हिलाते हैं और हमें काटने चले आते हैं। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, हर काम मेरा मुकम्मल, हर सांस आजाद। मैं अपनी हर चीज की उठने बैठने सांस लेने तक की वजह बता सकता हूँ। हाँ, तू बता सकता है? अगर तू अपने देश के लिए लड़ रहा है तो पहले मुझे ये बता कि तेरा देश है क्या? तेरे सीनियर अफसर, तेरी बुजदिल गवर्नमेंट जो तुझे तनख्वाह देती है, या वो बेकसूर जनता जिनको तू जानता ही नहीं, जो तुझे नहीं जानते, जिनसे तू आज तक नहीं मिला, जिनको तेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता? किस चीज से प्यार करता है? मैं जानता हूं तू नहीं जानता, क्योंकि ये सवाल तूने आज तक अपने आप से पूछा ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा दिव्या कि उस दिन सुल्तान ने जो भी कहा वो सब सच था। ये भी नहीं कह रहा कि सुल्तान सही है या मैं गलत हूँ। हम कहते हैं कि सुल्तान बुराई के साथ है, अच्छाई और बुराई का फैसला करता कौन है? और फिर क्या अंतर है उसमें और मुझ में? वो भी लोगों की जान लेता है और मैं भी लोगों की जान लेता हूँ। एक अंतर है, जज्बा, जो मैंने देखा था उसकी आंखों में।
उसकी हर बात में हर चीज में कमिटमेंट थी, एक जज्बा था। मुझे सीनियर ऑफिसर्स का ऑर्डर आता है, गोली चला और मैं ट्रिगर दबाता सिर्फ एक बंदूक हूं मैं, जिसका खुद का कोई दिमाग नहीं, खुद की कोई वजह नहीं, जिसे कोई और चला रहा है। मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कोई मकसद ही नहीं है दिव्या। सुल्तान के पास मकसद है और तुम्हारे पास नहीं? दिव्या, मैं उनके लिए जीना चाहता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। अगर सब लोग तुम्हारे जैसे सिर्फ अपने लिए, सिर्फ खुद के लिए सोचने लगे तो इस समाज का, इस दुनिया का क्या मतलब रह जाएगा? हम इस बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है। तुमसे कहीं ज्यादा इन चीजों को मैं बेहतर समझता हूँ। तुमसे और बिंटी से बढ़कर कुछ भी नहीं। مسلسل انجام ہے یہ قتل و عام اور یہ دھماکے اب نہیں رکیں گے میں بس اب ہندوستان کی عوام اور ہندوستان کی گورنمنٹ کے نمائندوں کو موت دیتا رہوں گا سمجھ بھی نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے وہی تو بات ہے اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے بارے میں سوچ کر اپنا موڈ خراب کرنے کا کیا مطلب چینل بدلو اور ایم ٹی وی دیکھو احمد حسین ممبئی پولیس اسپیشل سیل گاڑی میں کافی پی رہا تھا ایکچولی آئی ڈونٹ مائنڈ ون مور تھینک یو ملٹری انٹیلیجنس ونگ سے آپ کے بارے میں پتا چلا تم تو جانتے ہو کہ دلی میں کیا ہوا بلاسٹ میں کچھ 100 لوگ مرے اس سے میرا کیا لنک ہے سلطان دیویا جی میں ان سے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں بلاسٹ کے وقت سلطان دلی میں ہی تھا خود کا آپریشن سپروائز کرنے کا بڑا شوق ہے اسے صرف ایک ہی لنک ملا ہے پچھلے دو بلاسٹ میں ہم نے جن آدمیوں کو گرفتار کیا ہے وہ آر ڈی گینگ کے لیے کام کرتے ہیں زیادہ تر ٹیررسٹ باہر دیش کے ہیں اس لیے انہیں جو گراؤنڈ سپورٹ چاہیے مطلب ایکسپلوزیو سمگل کرنا ان لوگوں کے لیے یہاں رہنے کا انتظام کرنا یہ سب آر ڈی کرتا ہے ہم نے سوچا اگر ٹیررسٹ انڈر ورلڈ کا راستہ لے کے ہم تک پہنچ سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم اسی راستے سے ٹیررسٹ تک پہنچ جائے اس لیے ہم نے بہترین آفیسر سدھاکر راوڑے کو انفارمنٹ بنا کے آر ڈی کے گینگ میں بھیجا اور اس نے واپس بھیج دیا راوڑے کا سر راوڑے کے بارے میں آر ڈی کو اس لیے پتا چلا کیونکہ ہمارے پری ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آر ڈی کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے میرا نیا آئیڈیا یہ ہے کہ کسی ایسے آدمی کو بھیجوں جو پولیس والا نہ ہو اور آپ چاہتے ہیں اس آدمی کو اس مشن کے لیے میں ٹریننگ دوں نہیں میں چاہتا ہوں تم خود جاؤ میں کیوں اس لیے کہ تمہارے پاس کمانڈو کی ٹریننگ ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے اشاروں پہ سلطان اور آر ڈی کے لیے اپنی فیملی اپنی لائف چھوڑ کر ایک کرمنل کی طرح جیوں
एक तरह से सुल्तान को पकड़ने के लिए खून खराबा करने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं मुझे। हाँ। आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आर्मी में बहादुरी के लिए इतने मेडल्स जीत चुके हो तो डरपोक तो नहीं कह सकता तुम्हें। कहेंगे भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम काम नहीं करोगे हुँ? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? तुम जैसे नकारा लोगों को धमकाने से भी क्या फायदा? देखिए, मैं आर्मी छोड़ चुका और अब एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। दिल्ली में जो मरे वो आम लोग ही थे। हाँ, तुम्हारे कर्नल ने बताया कि कंट्री से ज्यादा तुम अपने फैमिली को इम्पोर्टेंट मानते हो। अमन, तुम्हारे सोच के दायरे में अंतर है, लेकिन कई बार हालात अपनी सोच को बदल देते हैं और शायद यही मौका है। हाँ, तुम अगर सोचने के लिए वक्त चाहते हो तो ले लो। नो, आप टेररिज्म से लड़ना चाहते हैं, गुड लक टू यू। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। ये तुम्हारे लिए। अमन, इट्स सो ब्यूटीफुल। आपने मम्मी के लिए इतनी महंगी बैंगल लाए और मेरे लिए खाली 100 रुपीज की डॉल नोट्स है। क्यों, आप ही को तो चाहिए थी। अभी मेरे को मम्मी की जैसा बैंगल चाहिए। हम एक काम करते हैं, आपकी जो डॉल है ना और मेरी ये बैंगल, हम दोनों शेयर करते। गिव मी 5। हीरो में लास्ट वन दे रही हूँ। मैं और मम्मी के बीच में पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। बादलों पे उड़ के जो चल दिए मिले नए आसमान, बादलों पे उड़ के जो चल दिए मिले नए आसमान, ये जिंदगानी एक बन के कहानी जिए हम यहाँ। सर, मैं अमर मलिक। आप मेरे घर आ जाए।
मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं कि ब्लास्ट में तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी मारी गई। मरने वाले उन आम लोगों में से वो दो थी। एक मौका सर। सुल्तान तक पहुंचने के लिए जज्बात नहीं, दिमाग की जरूरत है। आज अंडरवर्ल्ड दो हिस्सों में बटा है। पहला आरडी, जिसके गैंग में घुसकर सुल्तान तक पहुंचना तुम्हारा काम है, और दूसरा गुंगा, जो पहले आरडी का खास था। आज के बाद जो भी होगा वो सिर्फ हम दोनों के बीच में होगा। मैं किसी से नहीं कहूंगा, नॉट इवन टू द कमिश्नर। गॉट इट? मैं जानता हूं तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज से तुम्हारे माँ बाप होंगे तस्लीमा बानू और मोहम्मद यूसुफ, जो नासिक में रहते हैं। मैं समझा नहीं। मैंने तुम्हारे लिए एक नकली बैकग्राउंड तैयार किया है ताकि किसी को तुम पे शक ना हो, इसलिए आज से तुम अमन नहीं अमान होंगे। तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस, तुम्हारा पासपोर्ट, राशन कार्ड। अमान अली यूसुफ। भगवान को मानते हो? कभी सोचा नहीं। अंडरवर्ल्ड गैंग्स को भी किसी भी नॉर्मल कंपनी की तरह नए रिक्रूट्स की तलाश रहती है। हाँ, अगर कोई पहले से अपनी पहचान बना ले तो गैंग में घुसना मुश्किल नहीं। तुम्हें आरडी गैंग में घुसाने के लिए मैंने एक प्लान बनाया है। लेकिन गैंगस्टर्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, मुझे क्या पता? तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, और अंडरवर्ल्ड में घुसने की ट्रेनिंग पुलिस से बेटर और कौन दे सकता है? That was supposed to be a joke. सर, मैं हंसने के मूड में नहीं। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, एक बम लगाना मांगता है भाई।
जान बचाने और जान लेने में बहुत थोड़ा अंतर है। अब तुम्हें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाना होगा। मतलब जेल? गैंगस्टर्स का रिक्रूटमेंट वहीं पे होता है। तुम्हारे नकली नाम पे मैंने 2-3 क्रिमिनल केसेस ठोक दिए हैं, तो तुम्हें जेल जाना होगा। कॉफी मिलेगा? यस सर। जेल एक ऐसी जगह है जो सरकार क्रिमिनल्स को अपनी गैंग चलाने के लिए मुहैया करती है। लोग जुर्म तो बाहर करते हैं, लेकिन क्रिमिनल्स वहां जाके बनते हैं। नाम अमान जी निका। बहुत सॉलिड बॉडी बनाया रे। जब नाम पूछा तो पूरा नाम बोलने का। क्या अमान अली यूसुफ। और सुन, इधर तेरी ये बॉडी नहीं चलेगा। एके राव गूंगा का खास आदमी। सुल्तान तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है आरडी, आरडी तक पहुंचने की पहली सीढ़ी एके राव। जेल कंट्रोल करता है क्योंकि जेलर उससे मिला हुआ है। आरडी के जितने भी लोग जेल में हैं, एके राव उनको जहन्नुम दिखा रहा है। इतना पावर होने के बावजूद आरडी एके राव का कुछ नहीं उखाड़ सका। मौका देखते एके राव को मार डालना। बस ऐसे ही? आर्मी में कभी ये सवाल किया था तुमने? सुल्तान के सामने किसी की जान की कोई कीमत नहीं, जान से ज्यादा काम। तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, अब ये एक और आरडी पैदा हो गया। क्या नाम है उसका? अमान अली यूसुफ। बिलो आवाज मत करो, ये लो टॉफी खाओ। ये लड़का आरडी के गैंग का भी नहीं है और साला उसका काम कर रहा है। मैम, बाप अगर मशहूर हो तो कई बेटे पैदा होते हैं। आरडी का लेटेस्ट क्या चल रहा है? गूंगा ने आरडी को मारने का अटेम्प्ट किया, फेल हो गया। और ये भी सुना है कि उसका एक आदमी पकड़ा गया। किसने भेजा? ईमानदारी अच्छी है, लेकिन दर्द ये बात नहीं समझती। बता। अगली बार मरेगा। मर गया। मर गया? कैसे मर गया? अरे हम तुझे कितने बार बोला है, सही नाम क्या कर दिया? कर मर गया ना भी साला। सॉरी सॉरी आरडी। लाइफ में कोई एक बात सही किया। या! अपने ये कराटे वराटे मेरे को मत दिखा, हट। ब्रूस ली का नहीं, ओसामा का जमाना है। ओए,
कितनी बार समझाया ये बचकानी हरकतें करना बंद करो। आखिरी बार। ठीक है, बाद में बात करते। एक ही राव मर गया। आर्थर रोड जेल में कोई अमान नाम का लड़का, उसने मारा उसको। हमारे गैंग का है? नहीं, सोलो। मारने के बाद अपने लड़के लोग आपस में दंगा कर दिए, ताकि इंक्वायरी में ये पता न चले कि ये काम अमान ने किया। लेकिन वो है कौन? पता नहीं, लेकिन लड़के बहुत तारीफ कर रहे थे। एक राव मर गया, अब गुंगा क्या बोलेगा? बोलता है कि उसे करंट लगा के मार दिए। ए मिर्ची, आरडी के गैंग वाले प्रहलाद को करंट लगा के मार दिए। करंट कहाँ से? अब मेरे को क्या मालूम, उन्होंने इतना ही बोला करंट लगा के मार दिया। अरे पर तू उसको तो वहां भेजा कैसे? वो डेंजर में भेजा है। तेरे मामा का लड़का बाद में मेरा सबसे बेस्ट शूटर था, वो सबसे बेस्ट। मरना मारना धंधा है हमारा। साड़ी दिया था मेरे को, मालूम है मेरे को। मेरे हाथ का सुकड़ा अच्छा लगता था। अरे मालूम है, बहुत प्यार था तेरा। चे चे चे, अब क्या करने का? अभी हो गया ना, चल जाने जाने। मैं बार बार बोला तेरे को, तेरा प्लान वर्क नहीं कर पाएगा। मेरा मुंह मत खोलवा। अभी तू बस्कत में आरडी के गोडाउन पे अटैक किया था, मैं तब भी बोला था तू फ्लॉप होगा। हुआ ना, ये सुपर हिट फ्लॉप होगा। बात करता है गूंगा, ये सब छोड़। अब मुझे लगता है तुझे अपनी गैंग वालों को बदल देना चाहिए, नाकारा है सबके साथ। क्या बोला रे तू? तेरे हर फ्लॉप प्लान्स का जवाब दिल्ली में हमें देना पड़ता है। डिग्री दिल्ली में जाके बोल, अंडरवर्ल्ड में यस सर नो सर से काम नहीं चलता, एक्शन से होता है एक्शन। देख रहा है ना तुम्हारा एक्शन। कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में, जाना किसी और गैंग के पास जाना। ए लाल जी, तू चुप कर। ए अमरेश गेगा, हेलो। मिठाई होती है, मक्खियां अपने आप चली जाती है, और आरडी की एक खास मक्खी है। तुम्हारा वकील अंसाली। लड़का डायनामाइट है। इंक्वायरी ले ले, साफ है तो निकाल ले। उसकी फाइल है मेरे पास, नाशिक का रहने वाला है, मैं लड़के भेज देता हूँ। क्या अमन यहीं रहता है? यहाँ कोई अमान नहीं रहता। फिर से शुरू हो गई तुम? बेटा अमन बंबई में है। एक साल से हो गया है, शक्ल नहीं दिखाई। बेटा आप लोग कौन हो? शुक्रिया बाबा। सर, आरडी के लोग अमान की इंक्वायरी लेने आए थे। वर्क इज डन सर। आरडी के आदमी हो? आज से तुम भी। मैंने तुम्हें बाहर निकालने का प्रोसीजर शुरू कर दिया। मैं
ये आरडी का फूड मिलता ही नहीं। अभी तक कॉफी क्यों नहीं लाई? हाँ अड़ी भाई, एक मिनट। अमान, दो ऑप्शन देता हूँ। पहला, तू आज से मेरी कंपनी का। दूसरा, मौत। किसकी? आरडी के खास दुश्मनों के बारे में अपने नेटवर्क के जरिए बिल्कुल चुनिंदा इंफॉर्मेशन तुम्हें भेज दूंगा। जीतेगा भाई, जीतेगा, जय प्रकाश जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जय प्रकाश जीतेगा, जय प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश। खबर है आरडी गैंग के शार्प शूटर अमान अली का काम भी है। सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि इन सब चीजों के पीछे अमान अली का हाथ है। कंसोलिडेशन के दौर से मुंबई अंडरवर्ल्ड कैसे अछूता रहे? गूंगा का सुपड़ा साफ कर आरडी की मोनोपोली ला रहा है उसका खास गुर्गा अमान अली। धानवी से चुन चुन कर गूंगा के आदमियों को मार रहा है। जहां पुलिस बॉडी काउंट में लगी है वहीं वहीं अमान अली अपने नए शिकार की तलाश में है। विक्रमजीत तिवारी, सी न्यूज। आजकल तू शेव वेव नहीं कर रहा? जब सर कटने वाला है तो दाढ़ी करने से क्या फायदा? तेरे को आरडी से इतना इन्फ्रेटी कॉम्प्लेक्स क्यों? आरडी से नहीं, आरडी को मारने का कॉम्प्लेक्स है। देखूंगा, दुनिया का 3/4 यानी 3/4 पानी, बाकी 1/4 जमीन, और जमीन पर ये आरडी जैसा बहुत है, पानी पे तू एक। तो तू अभी अकेला 3/4 का किंग है। क्या 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 बोला तू? कुछ समझ में नहीं आया मेरे? गूंगा को समझा रहा हूँ कि कितना काबिल है। काबिल तो है मैं, ऐसा राजा काबिल चाहेगा भाई। जन्मदिन चली शुभ किसी का बोलते थी जैसा। हाँ हाँ, नजर नहीं लगनी चाहिए मेरे राजा को। घंटा काबिल मैं नहीं, वो है अमन, मेरे पूरे खानदान का सुपड़ा साफ कर देगा वो। ये क्या कर रहे? बस करना तो अभी तुम लोग यहाँ भजन करने बजाय जाओ ना उधर। अरे बस बस बोला ना, बस चलना।
दिल्ली से चक्कर चलाओ कोच। क्यों? तू ही कह रहा था उस दिन दिल्ली वालों का यस सर नो सर अंडरवर्ल्ड में नहीं चलता। वो दूसरा दिन था, आज दूसरा दिन है। हर रोज एक रंग की चड्डी पहनता है क्या? मैं क्या बात करता है रे? ए तू जाना कांदा तिल खला से तो जान उकड़ पे लेके आ, पप्पा ही मौसम भी सब लेके आ। मुमंगा को करता है आज जन्मदिन है। ए चले फैमिली ड्रामा बंद कर। फैमिली ड्रामा करती क्या? मैं तेरे को अच्छे से समझा रही हूं क्या? ए चल बक बक बंद कर। साथ में गन्ना चूसती थी आज बोर्ड पे लाइम जूस पी के मस्ती आ गया तेरे को? मस्ती आया क्या बोल? जा मस्ती आया इधर लेके आ। तो क्या ऐसा नहीं किया तू मेरे पे? अरे 10 लड़के पीछे पड़े थे मेरे दांत मालूम है मेरे को। और दो तेरे से बहुत बेटर थे, उनको ना बोली मैं, उनको ना चल। मालूम है सब मालूम है। आज के दिन नहीं जाएगा। ए रिकॉर्ड है तेरा पूरा मेरे पास, समझा ना? मेरे को बोलती है तू मेरे से बेटर है। दोनों को मैं मारा लेकिन अमान अली को कौन मारेगा? अमान अली का बंदोबस्त हो जाएगा, मैंने चीफ से बात कर ली। गुड आफ्टरनून सूर्य नारायण। आदेश करिए सर। ये अमान अली क्या चीज है सर? थोड़ा देख लीजिएगा सर। मुंबई के गैंग वॉर्स में आपकी एक्सपर्टीज आजकल काफी बढ़ रही है, इंटरव्यू बहुत अच्छा देते हैं। क्योंकि मैं मानता हूं दिमाग 99% और एक्शन 1% होना चाहिए। दो साल से यही सुन रही हूँ। आरडी को तो खत्म कर नहीं सके और अब ये एक अमान और पैदा हो गया। अमान को मारना इतना आसान नहीं। दारा के लिए भी एनकाउंटर्स कैनॉट बी द सॉल्यूशन मैम। बात समाज सुधारने की नहीं है, तुम्हारी और मेरी नौकरी बचाने की है। ऊपर से ऑर्डर आया है। आप ये अपना 99% दिमाग अपने पास रखिए और 1% एक्शन मुझे करने दीजिए। हाँ वो दारो को फौरन मुझसे मिलने को कहो। Costello presently? Maybe. Do you know who I am? Maybe not. I'm gonna have my associates search you. That was quick. When I was your age, they would say we could become cops or criminals. Everyone, please! What's the difference? Get your hands off me! I think we could work something out. We are all convinced that Costello has at least one mole inside the Special Investigations Unit. There are parts of my job I can't talk to you about. Brent, you are trouble. You don't know the half of it. You better get organized, quick. Hey, last time I checked, I tipped you off, and you're not in jail. Hit the ceiling. हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ खुजली वाले कुत्ते होते हैं और कुछ खुले सांड। दारा इनसे कुछ अलग है। वो तुम्हें टारगेट करेगा, खुद को हीरो समझता है लेकिन खूनी है, जिसने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का नकाब पहन रखा है। तुमको बहुत केयरफुल रहना होगा उससे। केयरफुल का क्या मतलब? मार दो उसे, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। जान से ज्यादा काम। बिजी था इसलिए फोन ऑफ किया था। हाँ अमान अली सुना है?
क्राइम ब्रांच से डिटेल ले लेता हूँ। आप उसका टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगा। दादाजी सच क्या है? सुना है अमान अली ने आपको बीच बाजार में नंगा भागा भागा कर मारा। दारा पर हमला, सारे डिपार्टमेंट पर हमला। ऐसा आज उसने उसके घर पर घुसकर उसे गोली मारी है, कल वो हमारे ऑफिस में घुसकर हमको मारेगा। क्रिमिनल्स हमारी धज्जियां उड़ाएंगे तो लोग क्या हम पर खाक विश्वास करेंगे? अमान जहां भी, जैसे भी, कहीं भी, कभी भी दिखे, उसे गोली मार दो। I want the entire police force to be on this job. पुलिस बहुत इमोशनल हो गई है। इससे पहले वो कुत्ते अपने शेर को मार दें, उसे वहां से निकालने का बंदोबस्त कर। बुलावा है, यहां तुम्हारी जान को खतरा है। सिक्योरिटी के लिए आरडी भाई तुम्हें एनआरआई गैंगस्टर बना रहा है। ये आरडी तक पहुंचने का ट्रैवल प्लान। हो गई शादी? बनाया करना भी नहीं। इस शहर के हर इंसान में एक अमन है, उसकी एक बेटी है, एक पत्नी है, एक परिवार है। उन सब के लिए, हम सब के लिए ये एक आखिरी लड़ाई है। तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुमने गलत फैसला किया है? फैसले नहीं, उनके नतीजे गलत होते हैं। अमन, अपना ख्याल रखना।
उधर कुछ भी हो, इधर तेरा हीरोगिरी नहीं चलेगा। छोड़ना मेरी फितरत में नहीं, आज छोड़ दिया दोबारा। मैं आपके लिए काम करने आया, इन बंदरों को सर्कस कराने नहीं। नीफ, इसे रहने की जगह दिखा दे। चल। सुन, ये मुंबई नहीं है कि बेलपुड़ी खाने निकले और तमंचा चला के आ गए। मैं जगह से नहीं, दिमाग से काम करता हूं। आरडी, ये इतना देर शाना बन रहा है और तू चुपचाप बैठा है। इतने कम टाइम में अमान ने जो हमारे लिए किया है, जिंदगी लग जाएगी तुम लोगों को। Fantastic. और कौन है? ऑलविन, जोसेफ और करीम अली। जानता हूँ इनको। और एक लड़की है, इया। कौन है? पूछा नहीं। पूछना भी मत। इया से लेके सुल्तान तक किसी के बारे में कुछ मत पूछना। आरडी जब तक खुद कुछ नहीं कहता, कुछ मत पूछना। इस बार आरडी को खत्म करेगा, ऐसा प्लान किया है ना मैंने। करेक्ट वर्क करेगा 100%। कैसे? इंजेक्शन बनाया ना मैं। कौन? तारा। वो एनकाउंटर किंग। सटक गया है तू। आरडी को छोड़, अमान उसको नंगा पकाया। अरे वही तो पॉइंट है ना मेरी जान। जिसने 90 लोग को कफन पहनाया, उसका अमन पूरे मार्केट में चड्डी उतारा रहा। फोर वोटी वोट्स का वो खुंदस रहेगा ना दिमाग में अभी भी। अगर मैं उसे करेक्ट स्विच ऑन करता है ना, ऐसा हाई वोल्टेज कुंदस आएगा ना, आरडी अमन वमन श्योर शॉट डेड। ये लिख के ले तू, अभी लिख के ले। वर्क 100%। देखने का ये तारा क्या कर सकता है? वो समझता है कि विलायत जाके आरडी के पास छुप के वो बच्चा आएगा। तुम तो
टीम की मीटिंग की खबर एकदम पक्की है। बस ये मालूम नहीं कि पार्टी कहाँ होने वाली है, लेकिन आरडी का एक खास आदमी हमारी मदद के लिए तैयार है। पर मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुम आरडी को धोखा क्यों दे रहे हो, वजह क्या है? मेरे को आरडी बनना है। हेलो ए दारा साहब, कैसे हैं आप? दलाल बोल रहा था आपका दिल बस अमन को मारने में, सुबह पीछे ही पड़े उसके। समझता है मैं, आपका कोई बहुत ही पर्सनल वजह होगा। पर ये अमन वमन शूटर को मार के क्या फायदा? अगर आरडी गया तो ऑटोमेटिक सबका पैकअप है ना। क्या है दारा साहब, बहुत रिस्क लेके आपको सपोर्ट कर रहा हूं मैं। ये आरडी, इसे मरना चाहिए अब। बात समझो दारा साहब। हाँ क्या हो रहा है? अरे दारा पुलिस वाला। अरे बता ना, लेकिन मेरे को भी बता। यस पुलिस वाला दारा, अब उसको पूरे मार्केट में नंगा भगाया। नंगा क्या? पूरा 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 नंगा। मुंबई का टॉप का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, पोस्ट ऑफिस स्कूल के बाहर कम से कम 5 किलोमीटर भगाया उसको। क्या तू नमक मिर्ची लगा रहा है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुश्किल से 100 फीट भागा। तो थावा 5 किलोमीटर 100 फीट क्या फर्क पड़ता है? नंगा भागा इज इंपॉर्टेंट। एंजॉय द सिचुएशन। मेरे को क्या बना है तू? नहीं फिर क्या बोल रहा है तू? इसका मान दिया मेरा तेरा? तेरे को 5 किलोमीटर इंपॉर्टेंट है या नंगा? बस खेलोगे? नहीं। हारने से डरते हो? बोर होता हूं। मैं बोर होती हूँ इसलिए खेलती हूँ। खेल जीतने के लिए खेला जाता है। किसी ने तुम्हें बताया कि तुम जब भी मुंह खोलते हो डायलॉग मारते हो? लेकिन मुझे पसंद है। क्या? तुम। तुम कभी खुश नहीं होते? खुशी पे भरोसा नहीं। तुम्हें रोना पसंद है? रुलाना। चुटकुले चल रहे हैं। हार्डी, अमान ने मुझे एक सीक्रेट बताया है। क्या? बताऊंगी तो सीक्रेट कैसे रहेगा? क्या सीक्रेट? बस ऐसे ही बोल रही है। यह आपकी बहन है। पार्टी में जो लोग आ रहे हैं, डील क्या है? सफेद पाउडर। पार्टी में थोड़ा लो प्रोफाइल रहना, तभी हाई प्रोफाइल लोगों को स्टडी करने का मौका मिलेगा। हाँ सुल्तान भाई।
मुंबई का कुछ सोच रहा हूं मैं। बस एक चिंगारी की जरूरत है। चिंगारी नहीं, बॉम्ब है मेरे पास। कौन? अमान। अमान? अमान अली यूसुफ। नया रिक्रूट है, कुछ किया है पहले या? हाँ भाई। दिल डर जावे, इश्क की आग में फिर जल जावे, आग आग से दिल डर जावे, इश्क की आग में फिर जल जावे, मौला खैर करे, रब्बा खैर करे, मौला खैर करे, हो रब्बा खैर करे, मौला खैर करे, रब्बा खैर करे, मौला खैर करे, हो से दिल डर जावे, इश्क की आग में फिर जल जावे, आग आग से दिल डर जावे, इश्क की आग में फिर जल जावे, मौला खैर करे, जब्बा खैर करे, मौला खैर करे, ओ जब्बा खैर करे, मौला खैर करे, ओ जब्बा खैर करे, ओ मौला खैर करे, ओ
है जो कैसा दबा लिया था अभी ठीक है इसका काम है विक्की बोलता है कि 100% लंकेश दारा को भागते हुए देखा मैं करने वाले का नहीं करवाने वाले का नाम पूछ रहा हूँ दारा को पकड़े तो सब बाहर आ जाएगा कहाँ मिलेगा गोली लगी है खबर है कि होली फैमिली में अपना इलाज करवा रहा है चल जो तू आराम कर हम लोग उसको पकड़ने का कुछ करते हैं तेरा क्या करूं उड़ा दे और क्या कर सकता है तू बस मेरे को जो करना था मैंने किया अब तेरे को तुम लोगों को जो करना है ना तक गूंगा को क्यों ज्वाइन किया तू कौन होता है भी पूछने वाला हा? इस हरामी के पिल्ले ने बंबई के सड़क पे मेरे को नंगा भगाया जहां मैं शेर बन के घूमता था शेर और किया गूंगा ज्वाइन नागपाड़े में तू भी बहुत दोस्ती की कसम खाता था ना साला मैं तेरे को उधर ही टपका देना चाहिए था तभी टाइम बदल गया दारा लेकिन ये नहीं बदला तेरे हाथ में जो है ना वो की नाल ही रहेगी ए आरडी 18 साल में तेरे को मालूम है ना मेरे को पैसे से वास्ता ना गैंगबाजी से वास्ता बराबर बराबर मेरे को सिर्फ इस समान अली से हिसाब सेटल करने से था वास्तव तो अभी मेरे को इधर बिठा के भगवत गीता क्यों सिखाने लगे देखे जो मुंबई पुलिस की रीढ़ की हड्डी का जोड़ है तू बहुत इज्जत करता है मैं तेरी हर कुत्ता हड्डी की इज्जत करता ही है अच्छा ऑफिसर था थोड़ा इधर उधर गया एक और फ्लॉप गूंगा तो फ्लॉप पे फ्लॉप देते जा रहा है तेरा कोई भी आइडिया हिट नहीं हो रहा है फटे कंडोम से पैदा हुआ है ना मैं जुबान पे काबू रख ले आई ला थवाड़ बंदा टेवतो हिला हुआ है ऐसे बकत पे सेंटीमेंटल होना मांगता है बीच में मत आ तो ये क्या है क्या क्या है क्या मनली अरडी है क्या मछली है मछली मैं मगरमच्छ और हम तालाब गीता में जाड़ा अभी तो फ्लॉप हो गया आइडिया सोच के प्लान किया था भाई अक्ल है मेरे को बिल्कुल नीतू बोलती है कि तू आवाज खाली के मरुण तू आता लेक्चर दे गया अभी तो अभी तू भी बोल अकल नहीं है ऐसे ही बोल ले तू ओ बाय बाय चुप 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 भरोसा है ना मेरे पे है ना ये करता है मैं और एक आइडिया प्लान करता है मैं सर माल गुजरात में श्री क्रीक एरिया में उतरने वाला है हाँ ओके किससे बात कर रहे थे सीक्रेट क्या सीक्रेट बता दिया तो सीक्रेट कैसे रहेगा पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है क्या टू गुड यू आर टू गुड आई नो
मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया हीरो। क्या हुआ? कोई और भी मुझे इसी नाम से पुकारता था। हीरो? कौन? सीक्रेट है। हमारे गुजरात का श्री करी कंसाइनमेंट पकड़ा गया, लगता है किसी ने टिप दी थी। ऑलविन को ये लगता है गैंग में एक और गद्दार है। तुम्हें क्या लगता है? जरूरी नहीं है। 20 में 19 बार हम सही, एक बार पुलिस। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है यार, कुछ तो क्रेडिट दो। अगली बार और केयरफुल होंगे। आड़ी अमान। हम्म? पता नहीं क्यों आजकल हर वक्त मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। वो इसलिए कि मैं सोचने के लायक हूँ। राइट, जस्ट जोकिंग। तुम्हारे भेजे फोटो में जो दो आदमी है वो है नूर हमजा और सवाई रिगे, जो सुल्तान के सबसे करीबी है। अब हमारे पास पुख्ता सबूत है कि सुल्तान और आरडी मिले हुए हैं। मैं कोशिश करके सुल्तान और आरडी की इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अभी आपको एक दूसरे नंबर से कॉल करने वाला हूँ। कॉल ले लीजिएगा। अब इसी नंबर से आपको एक और कॉल आएगा, फोन उठाइएगा और करीम अली को आइडेंटिफाई करो। उसने मुझ पे गोली चलाने की कोशिश की, मैंने मार दिया। क्यों? पुलिस ऑफिसर को गुंगा का आप पे अटैक फेल होने का कारण बता रहा था, मैंने इत्तफाकन सुन लिया। उसने कवर करने के लिए गन निकाली और ऑलविन इसका फोन उठा। बोल करें। ठीक है, अहमद हुसैन मुंबई में स्पेशल सेल का चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है। कहा था मैंने, वो गुंगा पुलिस को पेड़ा खिला रहा है। और पुलिस करीम अली को, अपना करीम ऐसा निकलेगा कभी नहीं सोचा था। कहां से कहां लेकर आए आरडी भाई आप उसे? आदमी और कुत्ते में यही फर्क है। ये डायलॉग मारने का नहीं, गुंगा को मारने का टाइम है। यस, हमारे हमलों के खौफ से गुंगा जमीन पे नहीं, एक बोट पे रहता है। बोट पे? उसे डर है कि अगर एक ठिकाने पे रहा तो हमें पता चल जाएगा, इसलिए वो समुद्र में एक बोट पे रहता है जो हमेशा चलती रहती है। कोई पास आए तो दूर से दिखे। गुंगा को चलाने वाले आईबी के लोग हैं। आईबी? इंटेलिजेंस ब्यूरो। मुझसे दुश्मनी के पैसे मिल रहे हैं गुंगा को। आईबी वालों को लगता है मुझे मारने का गुंगा ही एक अकेला रास्ता है। दरअसल गुंगा और मुझमें फर्क सिर्फ इतना है,
मैं सुल्तान के साथ गूंगा गवर्नमेंट का। हो सकता है, काफी सीक्रेटिव होने के नाते आईबी वाले हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। और ये भी हो सकता है कि आरडी का अंडरवर्ल्ड और सुल्तान का टेररिज्म, ये रिश्ता तोड़ने के लिए शायद गूंगा का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आईबी वाले गूंगा के साथ हैं, तो हमले में वो लोग भी बीच में आएंगे। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस कभी सिग्नल पे रुकते नहीं। अमन, तुम वहां गवर्नमेंट के लिए नहीं, आम लोगों के लिए गए हो। हमारे काम के आगे किसी की जान की कोई कीमत नहीं, ना मेरी ना तुम्हारी। याद रखना, जान से ज्यादा काम। कोई बात है तुम्हें जो तुम्हें किसी के भी करीब आने से रोकती है? करीबियों को खोने से डरता। कभी कुछ खोता नहीं है अमान, रूप रंग बदल कर सब वापस आ जाता है। पिया, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ, किया है। किससे? तुमसे। मुझसे? क्यों? सीक्रेट। गूंगा का पता चल गया। अमान के साथ गूंगा को मारने मैं भी जा रही हूं। क्यों? क्योंकि मैं अमान से प्यार करती हूं और उसके साथ ही रहना चाहती हूं। कब निकल रहे हो? क्या सोचा तुमने? किस बारे? जो मैंने आरडी से तुम्हारे बारे में कहा। सोचना क्या है? मतलब? I love you too. Really? Secret. मजा आएगा। क्या? गूंगा को मारने का कुछ सोचा है मैंने। तुम पागल हो? मैं इया हूँ। दिव्या। दिव्या कौन? तुम्हारा नया नाम होटल में एंट्री के लिए। दिव्या। दिव्या मलिक। हाँ। अमान। मैं जान गई हूँ तुम्हारी सीक्रेट कौन है। कौन? दिव्या। सीक्रेट से ब्रेकअप हो गया क्या? फिर? मर गई। कोई मजाक है क्या? हाँ। वैसे मजाक मजाक में हम भी बहुत पास आ चुके हैं। दूर रहना बेहतर है, मैं सिर्फ दर्द दूंगा। तुमने तो कहा ही था तुम्हें रुलाना पसंद है। तुम्हारी दी हुई हर चीज कबूल है। का पता मिल गया है। हाँ, तो क्या फिर कर दे देगा? गूंगा। हाँ। तेरे को याद है जब तूने वो घनश्याम दास का मर्डर किया था? कौन? वो ज्वेलर। तो उसके बेटे से जो एक्सट्रोशन के पैसे मिले थे
तू मेरे को बोला था कि नौला का हार बना के देगा। तेरे को तो मालूम है ना मिर्ची, आजकल गैंग चलाने में कितना पैसा लग रहा है। ये आईबी वाला का पैसा गवर्नमेंट लोग पहुंचाते पहुंचाते महीनों लगा रहे। लेकिन टेंशन मत ले तू, एक बार ये आरडी गया ना फिर मुंबई का किंग नंबर वन मैं। फिर नौला का क्या, 90 लाख का हार पहनाएगा मैं तेरे को। वो कौन है? Hey, Virchi, कोक देना इसको।
जिंदगी में कुछ मकसद होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। बंगला, गाड़ी, लड़की, पैसा, बचपन से लेके आज तक जिस चीज का सपना देखा, सबका इतना मजा ले लिया कि अब क्या करूं। जब खुद की कोई मंजिल ना बचे तो दूसरे के बताए हुए रास्ते को अपना बना लेना ही बेहतरी है। मैंने सुल्तान के मकसद को अपना बना लिया, क्योंकि आज तुम मेरे सबसे खास हो। और ये बात सुल्तान को भी बोल दी गई है। सुल्तान मुंबई के लिए कुछ प्लान बना रहा है। क्या? मेरे को भी नहीं बताया। सुपरवाइज करने के लिए उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो इलाके को अच्छी तरह जानता हो, जिसमें काबिलियत हो। मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड कर दिया है। सुल्तान जो कुछ भी कहे चुपचाप कर लेना। वो सुल्तान का खास हमजा, तुम RDX लेके हमजा और उसके लोगों के साथ कल रात समुद्र के रास्ते से मुंबई निकल जाना। बंसाली पिकअप करेगा और वहां से तुम लोगों को सुल्तान के पास ले जाएगा। सर, कोई मनहूस खबर मत सुनाना। छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है सर। बात कुछ ऐसा है कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, कमिश्नर पे भी नहीं, इसलिए आपके पास चला आया। मेरा एक खबरी से पक्का इंफॉर्मेशन मिला है कि सुल्तान मुंबई आ रहा है और कुछ बड़ा करने वाला है। मैंने होम मिनिस्टर साहब से बात की है और उन्होंने हर किस्म की मदद का वादा भी किया है। तुम लोग जैसे ही मुंबई पहुंचते हो तो मैं और मेरी टीम तुम लोगों को फॉलो करेंगे। जैसे ही तुम सुल्तान के पास पहुंचते हो हम सबको हिरासत में ले लेंगे। आडी, मैं अमान के साथ मुंबई जा रही हूँ। खतरा है। जिस दिन हम इस धंधे में आए उसी दिन मर गए हम। संभालना।
एक बम लगाना मांगता है भाई। हम एक चौल में रहते थे, मैं 6 भाई 13 साल का था। जब जिंदगी ही सड़क पे आ जाए तो सही और गलत का फर्क खत्म हो जाता है। कब रास्ते बदले पता ही नहीं चला। भाई बोला हिया, इस दुनिया में सिर्फ वही जी सकता है जो या तो सामने वाले को मोड़ दे या फिर उसको फोड़ दे। अमान, तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? मेरा कोई घर नहीं। फिर डायलॉग जा, तुम वही घर है। मैं पुलिस का आदमी हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं सच में पुलिस का आदमी हूँ। ट्विंकल ट्विंकल, धोखा दिया है मैंने। किसे? हार्डी को। या मैं सच में पुलिस का आदमी हूं, पुलिस का आदमी हूं मैं। मेरा नाम अमान नहीं, अमन, अमन मलिक है। अहमद हुसैन ने मुझे जीने के नए मायने दिए। मैं आज ये सच इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। मुंबई जाते ही हम एक पुलिस टीम फॉलो करेगी और सुल्तान तक पहुंचते ही सबको गिरफ्तार कर लेगी। अब फैसला तुम्हारा है, तुम या तो मेरी तरफ हो या यानी तुम सुल्तान तक पहुंचने के लिए मुझे भी मार सकते हो। खुद को भी। यह मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, सुल्तान। आज तक जो कुछ भी किया सब सुल्तान तक पहुंचने का एक रास्ता था। और इस रास्ते में तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? पानी सोचता नहीं, सिर्फ अपना रास्ता बनाता है। उस पानी में डूबता आदमी सोचता है। और ये सब देश के लिए? देश? शायद मैं आज भी अपने जवाब ढूंढ रहा हूं, मगर इतना समझ गया, देश मुझसे शुरू होता है और मुझी पे खत्म होता है। या मैं ये सब पैसा, शोहरत, इज्जत, ताकत, इन सब के लिए नहीं कर रहा, खुद के यकीन के लिए कर रहा हूं। सुल्तान, सुल्तान मेरे अंदर बसने वाला वो डर है जिससे मैं आज तक जूझता रहा हूं। मेरी ये लड़ाई सुल्तान से नहीं, खुद से है। और इस्लाम से इतनी तालीम तो मिल गई है कि जो लड़ाई खुद से की जाए उसे जिहाद कहते हैं। और अपने इस जिहाद से मैं सुल्तान और सुल्तान की सोच दोनों को मिटा दूंगा। लेकिन आड़ी तो कहता है कि सुल्तान खुदा का बंदा है। अगर खुदा का बंदा है तो चोरों की तरह क्यों भागता है? सामने से वार करे,
अगर खुदा का बंदा है तो बुजदिलों की तरह बम क्यों फोड़ता है? अगर खुदा का बंदा है तो जिन्हें मैंने मारा उन्हें क्यों नहीं बचा पाया? या इस वक्त तुम्हारा जीना तुम्हारा मरना मेरे हाथों में लिखा है। खुदा का बंदा सुल्तान नहीं मैं हूं। यह मुझे दुख है, पछतावा नहीं। और मुझे दुख भी और पछतावा भी। मैं तुम्हारे साथ हूं अमन, क्योंकि मेरा देश तुम हो। अमन या अमान, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाम से नहीं तुमसे प्यार किया है। 5 साल पहले जब वो प्लेन हाईजैक हुआ था, मैंने डील किया था। ये बड़ा सूटकेस लेके मैं प्लेन तक सुल्तान के पास गया था। तब से जानता हूं सुल्तान को। सिगार? मैं भी नहीं, कोई पीता है तो पी लेता हूं। इधर मैं गृह मंत्री हूं, लेकिन राज्य में हमारी पार्टी अपोजिशन में है। आगामी इलेक्शन में मेरा बेटा इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है। मुझे एक मुद्दे की तलाश थी जिससे ये सरकार गिर सके। कुछ हादसा ऐसा कि 2-1 हजार गए तो लोग भड़क जाएंगे और ये सरकार गिर जाएगी। मैंने सुल्तान से मदद मांगी। क्या करें उसका? इसीलिए तो तुम्हें बुलाया ना। कुत्ते, कनन और मसूरकर को लेके शेवरी लैंडिंग एरिया में 10 बजे पहुंच जाना। हाँ वही भोजनीपुर क्रॉसिंग, हाँ वही माइलस्टोन पे। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा 11 बजे। सादे कपड़ों में आना, डिपार्टमेंट का गाड़ी मत ले आओ। Sorry, sir.
कैसी हो? आरडी ने सलाम भेजा है। सलाम वालेकुम भाई। ये और इसके अलावा गाड़ी में भी कुछ है, सब मिला के 500 किलो होगा। मतलब जानता है इसका? अमान का मतलब होता है हिफाजत, पनाह, बेखौफी, सुकून, चैन, अमन। अमान तलाशी ले। क्या ये? अहमद हुसैन को हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला? कौन अहमद हुसैन है? अगर तेरा सच इन दोनों के बीच में आता है तो बोल दे अभी। कब से काम कर रहा है इसके लिए? अहमद हुसैन, नाम सुना है। पर इसे आज देख पहली बार रहा। ये आरडी का दुश्मन है, और जो आरडी का दुश्मन है वो मेरा भी। तो तू आरडी का इतना वफादार है? तुम मारा क्यों उसे? क्या? कल तुम लोगों के जाने के बाद तुम्हारे घर में बम फटा। आरडी के साथ हनीफ, अलविन सब शहीद हो गए। किसी ने टाइमर लगा के छोड़ा था। किसने? तूने। मैंने? लेकिन सुल्तान, तुम्हें यकीन है कि आरडी? खुद मेरे आदमियों ने सब की लाशों को अपनी आंखों से देखा है। बोल क्यों मारा? मैं क्यों मारूंगा आरडी को? हाँ, मैं क्यों मारूंगा? सब मर गए, तेरे अलावा कोई बचा ही नहीं है। यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि किसने मारा। नहीं, अमान नहीं हो सकता। कोई और है। हजार दुश्मन है आरडी के, कोई भी हो सकता है, अमान नहीं हो सकता। तुम्हें यकीन है कि ये नहीं हो सकता? इस पे यकीन है? क्यों मारेगा ये आरडी को? अगर अमान ने आरडी को मारा होता तो ये अभी यहाँ हमारे साथ क्यों होता? अमान आरडी का जान से भी ज्यादा वफादार था। अमान नहीं हो सकता, अमान नहीं हो सकता, अमान नहीं हो सकता। नहीं हो सकता।
तो फिर हमारे प्लान के बारे में इसे कैसे पता चला? करीम अली से। कौन करीम अली? आरडी ने जिक्र किया था मुझसे। करीम अली अहमद हुसैन से मिला हुआ है। अभी किधर है करीम अली? अमान ने उसे मार दिया। ठहरो, क्या कर रहे हो? इसे मार रहा हूं और क्या कर रहा हूं? अगर इसे मार दिया तो असली गद्दार का पता कैसे चलेगा? मेरा मतलब है कि हम लोग इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि करीम अली ही था? अहमद, मेरा नाम तो सुना होगा, बोल बोल बोल, खबरी कौन है? बोल बोल, नहीं तो मरेगा तू। जान से ज्यादा काम। क्या? जान से ज्यादा क्या? काम। क्या मतलब? जान से ज्यादा काम। काम क्या मतलब? हाँ, जान से क्या मतलब? क्या कह रहा है? जान से। क्या फायदा इसे जिंदा रखने से? करीम अली हो या कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी कल तक तो हमारा काम हो ही जाएगा। होम मिनिस्टर ने मुझसे और मेरे कमांडर से साफ साफ कहा है कि अहमद हुसैन ने हमारा प्लान किसी को नहीं बताया। माफ करना दोस्त, तेरे ऊपर शक किया। मुंबई में सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह कौन सी है? रेलवे स्टेशंस, शॉपिंग मॉल्स, बच्चों के स्कूल। अमान प्यार है बच्चों से। हाँ, लेकिन हमारी जिहाद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्कूल वो जगह है जहां इन काफिरों के बच्चे तालीम पाते हैं। गलत तालीम से मौत बेहतर। मरना काफी नहीं, मौत का खौफ होना चाहिए। किसी गली में टायर भी फटे तो लगना चाहिए कि बम फटा है। ये है काम। अमान मियां, आप कुछ ऐसे चुनिंदा स्टेशनों को देखो जिनके पास अस्पताल हो। अस्पताल क्यों? स्टेशनों पे बम फटेंगे, घायल एक आध घंटे में अस्पताल पहुंच जाएंगे और फिर हम टाइमर से अस्पताल को उड़ा देंगे। सिनेमा हॉल में बम मिलता है तो पुलिस क्या करती है? खाली करवाती है सिनेमा हॉल चेकिंग करने के लिए। अस्पताल में बम होगा तो जो घायल है वो अंदर नहीं जा पाएंगे और जो अंदर है वो भी बाहर। ट्रेन में लेडीज कंपार्टमेंट को टारगेट करो। सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे मरने चाहिए। बच्चा ही तो आदमी का बाप होता है। हवा में चीथड़े उड़ते हुए नजर आए। सड़कों पे, गलियों में खून बहता हुआ दिखे। ऐसा मंजर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। जो मरे नहीं उनके कान फट जाए धमाके से। चारों तरफ लाशें,
रोते हुए बच्चे, बिलखते हुए बाप माँ। तुमने मारा, वजह थी तुम्हारे पास। मुंबई पुलिस ने एक बहुत बड़े आतंकवादी हमले को रोक दिया। एजेंसियों के सूत्रों से आज शाम को पूरे मुंबई शहर में ये गैंग बम धमाके करने वाले थे। कम से कम 500 किलो का RDX मिलने का अंदाजा है। सूत्रों के अनुसार इस गैंग का रिंग लीडर अमान अली था। एक आतंकवादी हमले में गृह मंत्री भारत भूषण सिंह की मौत। अंजाम देने वाला अमान अली फरार। भारत भूषण के निजी कार्यालय की लिफ्ट में आज 2 बजे एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिससे घटनास्थल पे ही उनकी मौत हो गई। एक और सनसनीखेज खबर। सूत्रों से पता चला है अमान अली ऐसा खतरनाक आदमी, ऐसा आस्तीन का सांप जिसने अपने बॉस RD की जगह लेने के लिए RD की भी हत्या कर दी। जिस तरह से एक मामूली आम आदमी एक गैंगस्टर बना और फिर इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा आतंकवादी जो कि इस वक्त फरार है। इस शहर के 1,50,00,000 लोगों को खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्योंकि अमान अली उनमें से ही एक है। आप जवाब सोचें, उधर सुल्तान के बाद अमान अली ने छीन लिया है इस शहर का अमन। अमन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम पुलिस को सब कुछ बता क्यों नहीं रहे। सब कुछ बता देने से क्या होगा? हाँ, ज्यादा से ज्यादा अमन मलिक एक हीरो बन जाएगा, नहीं? और अमान, अमान अली हमेशा के लिए मर जाएगा। अमन के जीने से अब किसी को कोई फायदा नहीं, लेकिन अमान, उसके पास सुल्तान के ऊपर जितने भी सुल्तान हैं, उन तक पहुंचने का एक मौका है। सुल्तान तो सिर्फ पेड़ की एक डाल है, मुझे पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़ना है, तभी मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा।
Yeah, that I'm a shoot.